रहिका प्रखंड क्षेत्र के मिथिला के प्रसिद्ध देवघर कहे जाने वाले कपिलेश्वर स्थान में सावन की सातवें सोमवारी में मलमास खत्म होते ही कंवरिया भक्तों के जलाभिषेक को लेकर काफी भीड़ देखने को मिला। बताते चले कि कंवरिया भक्तों ने जयनगर के कमला से जल भरकर तपती धूप में 34 किलोमीटर बाबा कपिलेश्वर नाथ को जलाभिषेक किया। वहीं जयनगर से बाबा कपिलेश्वर नाथ मंदिर तक का रास्ता से कंवरियों की विभिन्न तरह की सेवा में रोटी बैंक, जयनगर बोलबम सेवा समिति मधुबनी, बोलबम सेवा समिति 56 भोग, शिव शक्ति होंडा मधुबनी के साथ विभिन्न सेवा समिति के द्वारा निशुल्क मेडिकल भोजन, चाय, गर्म पानी, दूध, जूस, केला इत्यादि व्यवस्था किया गया था। जयनगर से कपिलेश्वर धाम तक हर हर महादेव बोल बम की नारों से गूंज रहा था। जलाभिषेक को लेकर शनिवार रविवार से ही कंवरिया महिला पुरुष युवा युवती भक्तों ने जयनगर कमला से जल भरकर पूरे 34 किलोमीटर की दूरी तय कर बाबा कपिलेश्वर स्थान में हजारों की संख्या में कंवरियों ने बोल बम हर हर महादेव का नारा लगाते हुए बाबा भोलेनाथ का जलाभिषेक किया। मधुबनी पुलिस प्रशासन की ओर से कपिलेश्वर स्थान मंदिर परिसर में सदर SDO अश्वनी कुमार, DSP राजीव कुमार, CO राम प्रवेश प्रसाद, BPRO दीपिका झा, RO रणधीर कुमार रमन, रहिका थाना अध्यक्ष राजकिशोर कुमार देर रात तकरीबन 11 बजे से ही खुद कैंप कर रहे। कंवरिया भक्तों को किसी प्रकार का कोई कठिनाइयां ना हो इसके लिए सदर SDM और DSP खुद जायजा ले रहे थे। भक्तों को काफी भीड़ देखकर देर 12:30 बजे से ही मंदिर का गेट भक्तों के लिए खोल दिया गया। साथ ही पुलिस प्रशासन जगह जगह कंवरियों की सुविधा के लिए पूरे मंदिर परिसर में मुस्तैद नजर आए। वही आपातकालीन हेतु मेडिकल का भी व्यवस्था कराया गया था। साथ ही दरभंगा जयनगर मुख्य मार्ग में बैरिगेटिंग का भी व्यवस्था किया गया था ताकि कंवरिया बंधुओं को किसी भी प्रकार का दिक्कत का सामना न करना पड़े। वही मंदिर परिसर में कतारबद्ध लाइन लगाकर प्रवेश करने की व्यवस्था की गई थी ताकि किसी भी प्रकार का कोई भागदड़ ना मच सके। वहीं रहिका पुलिस ने बताया कि असामाजिक तत्वों पर भी पैनी नजर रखी गई थी। मेला कमेटी के द्वारा बताया गया कि कतारबद्ध सभी कांवरियों को मंदिर में प्रवेश करने की पुख्ता व्यवस्था की गई थी। आप हमारे मधुबनी न्यूज को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।